हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ हिंदी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टैलेंटेड ब्लाइंड सिंगर के एक सॉन्ग पे। सो दिस सिंगर इज ब्लाइंड। ग्रेट डिस्क्रिप्शन। उनको शायद टाइटल से समझ में आ गया होगा कि सिंगर ब्लाइंड रहने वाला है, बट स्टिल दैट इज द वेरी स्पेशल थिंग अबाउट इट। सो मुझे वो हाईलाइट करना जरूरी लगा। लेट्स एंजॉय। जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ओ जब जब प्यार पे पहरा हुआ और फिल्म का नाम है सड़क। ये आदमी बकरे होता है बताने का। थोड़ी सौंड की बात करें, इस दिल को झलकने से, बिजली को चमकने से कोई भी रोक न पाएगा, कोई भी रोक ना पाएगा। बुलबुल को चहकने से, फूलों को महकने से कोई भी रोक ना पाएगा, कोई भी रोक ना पाएगा। जब जब उल्फत की राहों में, जब जब उल्फत की राहों में दुनिया की बार गिराएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओ जब जब प्यार पे गहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 है। अभी लेते एक तरह छोटी सी स्पेशल ब्रेक। आप देखते रहिए पीटी वर्ल्ड न्यूज इस्लामाबाद सुबह सरक हजारा टीवी। सजाए शियों के नैने, उनके दम आ जाते थे ने। ये सपना तुम्हारा वही
अभी दो मिनट नीचे आएंगे और कुछ हल्के झूले मारेंगे और फिर आपके साथ मुलाकात होगी। 1.24.99 देख रही है पीटी बोल इस्लामाबाद सुबह सारा डे। मिले बुला लिया कर परमेश जी दुनिया बेगम बुला लिया कर फुर्सत मिले बुला लिया कर दुनिया बेगम बुला लिया कर दो पढ़िया बोल बैठे तू तनहाई दिल सुना लिया कर फुर्सत मिले दुनिया से गम को लाया कर दो पढ़िया बोल बैठे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वीडियो पे 700 से ज्यादा डिसलाइक्स कैसे। मैंने वही सोचा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि डिसलाइक्स किस हिसाब से क्या सोच के डिसलाइक्स कर रहे हैं लोग। बहुत मल्टी टैलेंटेड है क्योंकि सिर्फ सिंगिंग में टैलेंट नहीं है, वॉइस कंट्रोल कितना अमेजिंग है, इवन माउथ से वो इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड्स निकाल रहा था, देन तबला भी ऑब्वियसली और कोऑर्डिनेशन भी था। हाँ, और वो एफएम की तरह बोल रहा था ना, रेडियो जॉकी की तरह, दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड थ्रू आउट द वीडियो उनके फेस पे इतना स्माइल, हाँ इतना पूरा, मतलब ऐसा ईयर टू ईयर स्माइल बोलता रहा वैसा, सो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ की तरफ, दिस इज वेरी वेरी नाइस। इनका कुछ अपडेट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इनका कुछ और अपॉर्चुनिटीज या अपॉर्चुनिटीज कुछ मिला क्या इसके बाद, क्योंकि दिस इज अमेजिंग। आई एम श्योर कि इन्हें कोई भी रोल में लिया जा सकता है, मूवीज में लिया जा सकता है या फिर सिर्फ सिंगिंग के लिए लिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर इनको और मौका नहीं मिला। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि ये गा रहे थे, एक सिंपल माइक था, वो ऐसा कोई बड़ा ये भी नहीं था, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, गैजेट्स और ये सब, और वो साउंड प्रूफ स्टूडियो भी नहीं था, और फिर भी जो गाना वो गा रहे थे वो बिल्कुल मूवीज में जैसे हमें सुनाई देता है ना, ओल्ड ओल्ड मूवीज की तरह, बहुत ही मतलब बिल्कुल मूवीज का लग रहा था। अगर मैं आंख बंद करके सुनूं तो मैं शायद डिस्टिंग्विश कर नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है इस चीज को वो एटमॉस्फेयर देने में हेल्प भी किया, क्योंकि ये पुराने सॉन्ग्स थे तो उस सॉन्ग्स का जो एटमॉस्फेयर आने के लिए आई डोंट थिंक कि स्टूडियो में ये रिक्रिएट हो सकता था जितने अच्छे से हुआ। वाह, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के साथ क्या किया। हाँ, मतलब अमेजिंग, ट्रूली इंस्पिरेशन, राइट? सो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिम। टोटली। और कुछ प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि एनी प्रॉब्लम इज एज बिग एज हिज प्रॉब्लम, एंड स्टिल ही इज स्माइलिंग थ्रू इट, एंड वो अपने टैलेंट को सबके सामने ला रहे हैं। ही इज लाइफ को किस एटीट्यूड से रहता है वो पता चलता है। वो चाहे तो वो सिर्फ कंप्लेन करके बैठ सकते थे कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया या ऐसा कुछ, बट नो, सिर्फ एक टैलेंट नहीं सीखा उसने, मतलब एक स्किल नहीं सीखा, मल्टीपल स्किल्स सीखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेशन में भी उनको मिल सकता, रेडियो जॉकी में मिल सकता, इसलिए आप बताइए कमेंट्स में अगर कुछ उनको नया अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो, वेरी इंटरेस्टेड नोइंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, या सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।